शेरगढ़ विद्युत पोल पर कार्य करते समय एक प्राइवेट विद्युत संविदा कर्मी की मौत। थाना शेरगढ़ में बिजली घर के सामने पटेल चौक पर ओवा कचरौट लाइन पर संविदा राहुल शर्मा पुत्र किशन चंद उम्र करीब 22 साल शाम के 5 बजे बिजली घर सीट डाउन लेकर लाइन पर कार्य कर रहा था। इसके साथ में दो अन्य कर्मचारी भी कार्य कर रहे थे, लेकिन वह दोनों अलग अलग पोल पर थे। लेकिन इसके पोल में अचानक लाइन में करंट आने के कारण उसको करंट लग गया और वह पोल से नीचे गिर गया। वहां खड़े लोगों ने देखा कि वह झटपटा रहा था, तब बिजली घर पर सूचना दी गई। अन्य संविदा कर्मियों ने आकर उसको स्थानीय शिवचरण हॉस्पिटल पर ले जाकर भर्ती कर दिया, लेकिन वहां उसे आराम न मिलने के कारण डॉक्टरों ने मना कर दिया, जिस कारण संविदा कर्मी एवं परिवारजन जीआर हॉस्पिटल कोशी ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत की खबर सुनकर परिवारजनों में हाहाकार मच गया एवं कस्बे में भी शोक की लहर दौड़ गई। परिवार जन कोसी हॉस्पिटल से डेड बॉडी को लेकर सीधे शेरगढ़ थाना पहुंचे। वहां पर जैसे ही थाना प्रभारी प्रशांत त्यागी को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही थाने पर आवश्यक कार्रवाई कर परिवार जनों के कहने पर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवा दिया गया। कुछ देर बाद शेरगढ़ जेई व एसडीओ दोनों ही अपने कुछ साथी विद्युत संविदा कर्मियों के साथ थाना शेरगढ़ पहुंच गए। उन्होंने भी परिवारजनों को पूर्ण आश्वासन दिलाया कि जो भी घटना घटी है वह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटी है, लेकिन फिर भी हम आप सभी लोगों के साथ हैं और हमने अपने विद्युत विभाग के लिए लिख दिया है कि और विद्युत विभाग की तरफ से 50 लाख का चेक दिलवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर थाना शेरगढ़ पर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। जो कस्बा शेरगढ़ में बिजली घर पर जो घटना घटी है उसके बारे में बताएं, क्या घटना घटी? आज लगभग शाम को 4 बजे के आसपास हमारा स्टाफ काम करने गया था, निहाल सिंह सुरेंदर और राहुल शर्मा जी 3 लाइनमैन गए थे एक लाइन पे काम करने जी। तो वहाँ पे वो खंभे पे चढ़ा, काम किया, काम कर ही रहा था, तब वो नीचे गिर गया। कौन कौन लोग खंभे पर चढ़े थे? खंभे पर तो पहले निहाल चढ़ा था एक खंभे पहले जी, दूसरे वाले खंभे पे वो काम करके उतर चुका था जी। फिर दोबारा राहुल शर्मा गया दूसरे वाले में जी, वो चढ़ के उसमें काम किया तो वो काम कर रहा था, तभी दुर्घटना बस गिर गया किसी भी। कौन गिर गया था, राहुल या निहाल शर्मा जी? उसके बाद में क्या हुआ? शेरगढ़ बिजली शेरगढ़ हॉस्पिटल ले गए जी, वहाँ पे भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो बर्तन में कुर्सी रिफर किया, कुर्सी ले जाए ये सब भी कहते वहाँ पे जी, उसकी मृत्यु हो गई। तो आप उनके विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई करा रहे हैं? उनके विभाग की तरफ से पूरी मदद की जाती है जी, जो हमारा स्टाफ दुर्घटना का शिकार होता है उसके इसमें उसको मुआवजे की धनराशि दी जाती है चेक के फॉर्म में जी, उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, तो जल्दी उसको चेक दे दिया। लगभग कितने पैसे का मुआवजा मिलेगा उनको? इसमें 5 लाख का होता है, 5 लाख की धनराशि दी जाती है दुर्घटना जब होती है उस केस में, तो उसमें काम कार्य चल रहा है। तो फिलहाल परिवारजन उनके संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? परिवारजन से भी मेरी संपर्क नहीं हो पाया मेरा जी, वो अभी शायद पोस्टमार्टम के लिए गए हैं जी। बाकी काफ़ी लोगों से हाँ बातचीत हुई, तो लोग तो प्रधान जी से भी बात हुई, वो सारी डिटेल्स वो खुद ही दिए हैं कि किस फॉर्म में चेक बने और वगैरह वगैरह चीज़ें, तो उसमें काम चल रहा है।